तो इन सब चीजों के लिए ये देखना कि यूनेस्को जारी करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, वहां यूएसए के प्रेसिडेंट करेंगे, या फलाने मदरसा अमेरिका से जब आएगा, वो मक्का मदीना से जब फतवा आएगा तब हम करेंगे। अपनी जान आप खुद बचा लीजिए, वैज्ञानिकों की, ठीक है, डॉक्टरों की सुनिए। ठीक। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अखिलेश मिश्रा जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ ही देर। अखिलेश मिश्रा जी, क्या कहेंगे, रात में तो कर्फ्यू लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन दिन में जब सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना के फैलने का, तब रैलियां हो रही हैं। जब हुआ था तो हमने हर जगह के सरकारों की परफॉर्मेंस देखी थी, दिल्ली में भी देखी थी। साल दो साल जब कोरोना चला था, सबके घर में छप्पन भोग पहुंच रहे थे, दवाइयां पहुंच रही थी, सैलरी और मजदूरी वो टाइम पे जो है केजरीवाल जी पहुंचा रहे थे। बात ये पब्लिक हेल्थ की है, मैं ये बोलूंगा कि आपकी जान आपके हाथ में, सुरक्षा आप अपनी पकड़िए, आप चुन लीजिए कि आपको अपना और अपने परिवार की जान चाहिए कि पार्टी आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरकार इम्पोर्टेंट है। सरकारों को जो करना है वो करेंगे, नहीं करेंगे उसके बाद दोष देने पे नहीं होगा। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, सावधानी नहीं लगाएंगे, तो सरकार को दोष देने से आपकी जान या आपको जो नुकसान हो गया वो वापस थोड़ी आएगी। तो लेक्चरबाजी वगैरह बंद करके ये सारे पार्टी के लोग ये बोले, जितने स्वनाम धन्य नेता बैठे हैं, ये पब्लिक से अपील करें कि भाई कुछ भी हो जाए सुरक्षा चक्र को तोड़िए मत। कम से कम प्रधानमंत्री जी इस चीज की तो अपील कर रहे हैं। अब मुझे और दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन वो हर बार बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी आप लोग सुरक्षा चक्र को मत तोड़िए। डिसीजन आपके ऊपर है, पब्लिक के ऊपर डिसीजन है। आपको पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है, चुनाव जीतना जितवाना, अपनी पार्टी को, अपने नेताजी को कंधे पे लेके घूमना आपकी जिंदगी से ज्यादा अच्छी लगती है, तो फिर क्या होगा कि चार लोग आपको कुछ दिनों के बाद चार लोग आपको कंधे पे लेके चले, सिलेक्ट कर लीजिए। ये साइंटिफिक मैटर है, पॉलिटिकल मैटर नहीं। सरकार का ये बयान कि हम तो रैलियां कर रहे हैं लेकिन लोग समझदार हैं, अपनी जान की रक्षा आप खुद कर सकते हैं, ये इतना लापरवाही भरा बयान, इसकी उम्मीद तो नहीं थी। देखिए, लापरवाही वाले बयान की बात नहीं है, यहाँ पे सब मैच्योर हैं, 18 साल से ऊपर हो गए होंगे जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। कोई बोले आप कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ ना। नेता लोग तो ये भी बोलते हैं ये कर दो वो कर दो ऐसे कर दो, मैं सारे पार्टियों की बात कर रहा हूँ, तो डिसीजन आपको लेना है ना। ये भी जानते हैं कि जनता बड़ी भोली है, जब जनता को लगेगा ना कि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, उनके उनके इलाके में रैलियां करने आ रहे हैं, तो जनता पहुंचेगी देखने के लिए। जनता को उतनी समझ होती तो सर कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैल रहा होता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को ही लेनी है ना। नहीं नहीं, आप ठीक है, आप सरकार को बोलते रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहिए, और आप उन जगहों पे जाके घूमते रहिए जहां पे खूब कोरोना फैला है, तो आप डिसाइड कर लीजिए ना, जाके उस वार्ड में सो जाइए जहां कोरोना के सारे मरीज भरे हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इतना क्या किसी से प्रभावित होना, मुख्यमंत्री से या अरविंद केजरीवाल से या किसी हीरो हीरोइन से, कि कोई आ जाए तो आप जान की बाजी लगा के देखने जाए। आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी है कि, मैं यही बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक मैटर है, आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी है कि क्या प्यारी है, ये डिसाइड कर लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है, रैलियां कर रही है, वो ठीक है, सरकार को हक बनता है, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोगों के ऊपर है वो आए या ना आए। नहीं नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कोई भी सरकार हो पूरे दुनिया में, उनके पास हर आदमी की, हर सरकार की एक लिमिटेशन होती है, स्पेशली महामारी में, ठीक है। उसके बाद अगर सरकार की जो जिम्मेदारी है, आप अगर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो सरकार के ऊपर आपको आश्रित होने के लिए जरूरी नहीं। बड़ी हैरानी की बात है अखिलेश जी, बड़ी हैरानी की बात है कि राजनीतिक दल कह रहे हैं सर, तो अब उसके लिए क्या रिजल्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। हैरानी की बात है कि राजनीतिक दल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कोई फैसला कर दे, चुनाव आयोग कोई कुछ फैसला सुना दे तो हम रैलियां नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि जनता खुद से समझ जाए, जनता खुद ना पहुंचे, लेकिन सरकार को कोई यहाँ पर जिम्मेदार ठहराता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप दीपो भाव सबसे पहले आप खुद अपने आप को प्रकाशित करिए, जब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे आपका शोषण होता रहेगा। ना समझ जनता को भी तो सरकार ही अलर्ट करेगी ना, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गई है। अखिलेश जी आऊंगे आपके पास सर, आप उसको बता रही है, ठीक है, दोबारा कभी बोलिएगा नहीं ऐसा। ना समझ जनता है, जनता से ज्यादा नेता भी उनके गुणगान करते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। नहीं, लेकिन जितना डॉक्टर समझते हैं, जितना राजनीतिक पार्टियां समझती हैं कोरोना को, उसके दुष्प्रभाव को,
शायद उतना जनता नहीं समझ पाती। ठीक है अखिलेश जी, चर्चा को तो हम जारी रख ही रहे हैं, आपसे और बातचीत करूंगी। ठीक है, जारी कर दी है, ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, आपको रोकूंगे यहाँ पर। राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश मिश्रा जी, यूं तो मेरा आपसे ये सवाल नहीं था, लेकिन पिछली अभी जो हमने चर्चा की है उसमें कहीं ना कहीं आप मुझे बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आए हैं, तो उसी से रिलेट करके मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। आप कह रहे हैं जनता को नहीं पहुंचना चाहिए अगर रैलियां की भी जा रही हैं, अगर जनता इतनी जागरूक होती है, इतनी समझदार होती, तो फिर दिल्ली में येलो अलर्ट लगाने की क्यों जरूरत पड़ती? पिछली बार जब हमने लॉकडाउन लगाया उसकी भी क्यों जरूरत पड़ती? जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, हम लॉकडाउन क्यों लगाते? सरकार को जरूरत ही नहीं थी ऐसे कड़े कदम उठाने की। मैम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना बीजेपी का पक्ष लिया, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, क्योंकि परफॉर्मेंस हमने यूएसए की भी देखी, अपने देश की भी सरकारों की देखी। ये जो है मुद्दा है, ये जान से संबंधित है, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी आदमी की जान जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हर आदमी चेत जाए, सावधानियां बरते, बिना जरूरत के रैलियों में ना जाए। नेता लोग तो बोलेंगे भाई चलो भीड़ लगाओ, 10 लाख लोग आओ, ये आओ, और कितने नेता जब कोई बीमार हो जाता है तो वो नेता राशन और पानी तक देने के लिए नहीं पहुंचते हैं। मेरी अपील जनता से है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है जिसपे कि इस तरह की बातें की जाए, ये वैज्ञानिक मुद्दा है, स्वास्थ्य से संबंधित जीवन और मौत का मुद्दा है। पहला सुझाव जो है, पहला बचाव अगर कोई कर सकता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मेडिकल की जो है फिलॉसफी है, तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ। गवर्नमेंट जो करेगी करेगी, गवर्नमेंट ने सब कुछ किया लेकिन फिर भी लाशें गिरती रही, सारी गवर्नमेंट ने किया, यूएसए वगैरह ने, उसमें वो बड़े सौभाग्यशाली रहे जिन्होंने प्रिवेंशन लिया, जो इन्फेक्शन होने से बचे रह गए, जिनका फैमिली वगैरह, तो वो जो है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, इस सिद्धांत को अपनाइए। नेता होता है आपको बुलाते रहेंगे, लालच देते रहेंगे, आपको वोट देना है, 15 मिनट का काम है, आप जाके वोट दे आइएगा। रैली में जाने से आपके कोई जीतेगा और हारेगा नहीं, जिसको जिसको वोट देना है वो देंगे। ठीक है, जान के मुद्दे पे किसी के भी इन्फ्लुएंस में मत आइए। ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, जब हम डॉक्टर्स के साथ जुड़कर भी चर्चा करते हैं, और तब हमारा पूरा फोकस यही होता है कि जनता को किस तरह से जागरूक कर सके और कोरोना के बारे में बता सके। लेकिन आज मुद्दा ये था कि सरकार किस तरह से रैलियां कर रही हैं, तो इसलिए हमें इस तरह के सवाल पूछने जरूरी भी लग रहे थे। क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो उसके नाते मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब करने जा रही हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम रैलियां हो रही हैं, क्योंकि विपक्ष भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि प्रचार प्रसार तो हम करेंगे ही, वरना जनता तक कैसे पहुंचेंगे, क्या डिजिटल माध्यम के तौर पर ये संभव नहीं हो सकता? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये आपसे सवाल। बिल्कुल संभव है। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे नेता लोग पक्ष और विपक्ष के सारे YouTube वीडियो चल रहे हैं, उनकी जितनी भी स्टेटमेंट है, सारी चीजें हैं। भाई आपका मैसेज जनता तक पहुंचाना है तो थोड़ा सा पक्ष और विपक्ष सारे लोग जनता के ऊपर रहम कर दीजिए, और जनता को आप बोलिए कि पहले अपनी जान बचाइए, रेदर देन की कांग्रेस की रैली में आइए। देखिए इसमें नेचर जो महामारी का नेचर होता है उसके आगे मानवीय शक्ति बौनी हो जाती है, इसमें किसी का दोष नहीं है, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशन के लिए हम लोग घर से बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि नहीं, इन्हीं सब चीजों के लिए बहुत सारे घर से बैठ करके काम हो रहे हैं। अगर बहुत सारे घर से बैठ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अखिलेश यादव या कोई भी आदमी अगर वो डिक्लेयर कर दे कि आज मैं 12 बजे लाइव आऊंगा, तो करोड़ों लोग उनको देखते हैं, तो अगर वो ऑप्शन देते हैं तो ये बहुत अच्छी रहेगी, जनता के हित में रहेगा। मैं तो बोलता हूँ कि ये ऑप्शन लिया जाए अगर ओमिक्रॉन का खतरा इतना ज्यादा है तो। अच्छा ये भी बताइए, बार बार विपक्ष की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी ये जो बयान आता है कि चुनाव आयोग कोई सख्त निर्देश दे दे या चुनाव आयोग कोई गाइडलाइन निकाल दे तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, ये कितना सही है? देखिए मैम, ये अपने सर की टोपी, अपने सर का बोझ दूसरे के ऊपर डालने का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि भाई हर जगह पुलिस सुरक्षा के लिए पहुंचे, आप अपने घर में भी ताला मत लगाओ और बोल दो कि एक पुलिस का जवान, इतने संसाधन किसी देश के पास नहीं है। आप चुनाव आयोग का जो है वेट मत करिए, ये राजनीतिक उनका स्टेटमेंट है कि अपने सर की टोपी डाल रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग जो है ऐसा नियम बना दे, ये कर दे। चुनाव आयोग स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, इवन पार्टियां भी एक विप टाइप का जारी कर सकती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे सकती हैं कि भाई आप लोग अपनी अपनी सुरक्षा करिए, सुरक्षा जो है को पहला जो है महत्व दीजिए। तो इन सब चीजों के लिए ये देखना कि यूनेस्को जारी करेगा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, वहाँ यूएसए के प्रेसिडेंट करेंगे, या फलाने मदरसा अमेरिका से जब आएगा, वो मक्का मदीना से जब फतवा आएगा तब हम करेंगे। अपनी जान आप खुद बचा लीजिए, वैज्ञानिकों की डॉक्टरों की सुनिए।